नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज और आज फिर से मैं आपके अपने परिवार सक्सेस फिक्स में आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम क्या टाइम एंड वर्क को पढ़ने वाले हैं, और टाइम एंड वर्क के हमने अभी तक दो पार्ट पढ़ लिए हैं। आज हम एक नया टाइप पढ़ेंगे, इसमें अभी तक हमने क्या 2 दिन पढ़ लिए हैं, आज हम टाइम एंड वर्क का तीसरा टाइप पढ़ेंगे। क्या टाइम एंड वर्क? अब इसका तो आपको पता ही होगा, टाइम एंड वर्क का मतलब होता क्या है? समय और कार्य। क्या समय और कार्य? और ऐसा एक भी एग्जाम नहीं है कि इसके अलावा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ना दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए। क्या ऐसा एग्जाम नहीं है कोई भी कि इसका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ना आए? तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम खर्च किए हुए। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। क्या आपसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए? क्या आपसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए? क्या आंसर दीजिए? तो आपके पास क्वेश्चन क्या है? तो आपके पास क्वेश्चन है कि चार चटाई बुनकर, क्या जो चार चटाई बुनकर 4 दिनों में चार चटाई बुन सकते हैं, तो इसी गति से 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुन सकते हैं? तो इसमें क्या फॉर्मूला होगा? M1 B1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। क्या M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2, यानी कि J हमारा इसमें फॉर्मूला लगेगा, यानी कि आपके पास पहली में कितने आदमी है? 4 आदमी, और 4 दिन काम कर रहे हैं, तो कितनी 4 दिनों में कितनी चटाई बुन ले रहे हैं? वो चार चटाई बुन ले रहे हैं, कितनी? 4 काम कर लिया हमने। अब आपके पास क्या है बताइए कि 8 बुनकर 8 दिनों में, क्या 8 बुनकर 8 दिनों में कितनी चटाई बुनेंगे? यानी कि आपके पास W2 यानी कि दूसरा कार्य निकालना है, यानी कि आपके पास ये आदमी हो जाएंगे, ये दिन हो जाएंगे, ये आपका वर्क हो जाएगा टाइम, यानी कि 4 चटाई बना ली। अब इनके पास की जो दूसरे आदमी हो जाएंगे 8, यहाँ पर दिन हो जाएंगे 8, और यहाँ पर दूसरा काम हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो अब क्या करना है इसमें, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 4 एकम 4 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूनी 8, यानी कि अपने पास W2 कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, यानी कि वो 8 दिन में 8 व्यक्ति कितनी चटाई बोल लेंगे? तो कितने वाले बोल लेंगे? 16। कितनी बोल लेंगे? 16, यानी कि आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्या डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। क्या आपसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए? क्या आपसे सॉल्व कीजिए और उसका आंसर दीजिए? क्या आपसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हम ऐसे धीरे धीरे से, यानी कि ये वाला टाइप हम आराम से करेंगे, आने तक अपना हाई लेवल तक पहुंच जाएंगे, हाई लेवल को तक पहुंच जाएंगे। तो आपके पास क्वेश्चन है, आपसे सॉल्व कीजिए। क्या सॉल्व कीजिए? अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप शेयर कर दीजिए। क्या अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। तो आपके पास क्या है कि 12 व्यक्ति किसी कार्य को 14 4 दिन में कर सकते हैं, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं, तो 8 गुना कार्य आधे समय में कितने व्यक्ति कर सकेंगे? तो आपके पास क्या है? M1 B1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। क्लियर? तो पहले में आपको क्या दिया है, क्या क्या दिया? 12 व्यक्ति किसी कार को, क्या 12 व्यक्ति किसी कार को 4 दिन में कर सकते हैं। हमने कार क्या मान लिया? एक मान लिया, यहाँ पर क्या कार एक हो रहा है। अब क्या कह रहे हैं वो? इससे 8 गुना कार, यानी कि आपका W2 कितना आ जाएगा? 8 8 आ जाएगा दोस्तों। आपके पास क्या इससे आधे आधे काम, यानी कि 4 का आधा कितना आ जाएगा? 2 काम हो जाएगा। आपके पास M2 आपको ज्ञात करने हैं। क्या M2 आपको ज्ञात करना है? तो आपने सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ? 2 चौके 8, 12 चौके 12 चौक कितना होता है? 48।
क्या भर चुके 48 गुणा 4 बराबर एम टू, तो कितना हो जाएगा आपके पास, क्या कितना हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा एम टू, यानी कितने आएंगे 4 8 है 32, अब आपके पास तीनों रहता चुके 16, 16 और 3 19, यानी कि 192 व्यक्ति होंगे। तो इससे के आधे क्या, इससे आधे का क्या, इससे आधे समय में 192 आदमी होंगे, तो इससे आधे समय में 8 गुना काम कर लेंगे, क्या 192, यानी कि आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। क्या आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए, क्या आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्या अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। क्या अच्छा क्वेश्चन है आपके पास, कि क्वेश्चन क्या है, कि आपके पास क्वेश्चन है, कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिनों में खत्म कर सकते हैं, क्या कुछ मजदूर किसी काम को 100 दिन में कर सकते हैं, और लेकिन 10 मजदूर की अनुपस्थिति के कारण 100 दिन में 110 दिन में खत्म हुआ, तो मजदूरों की आरंभिक संख्या कितनी थी। तो हमने क्या मान लिया, आरंभिक कितने हैं, मैंने कुछ व्यक्ति, हमने कहा एक्स व्यक्ति हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो यानी कि 100 दिनों में खत्म कर रहे हैं, क्या 100 दिनों में खत्म कर रहे हैं। अब आगे बात क्या आती है, कि अब क्या 10 व्यक्ति अनुपस्थित रहते हैं, क्या 10 व्यक्ति यानी कि एक्स माइनस 10 उपस्थित रहते हैं, और क्या 110 दिन में वो काम कर लेते हैं। क्लियर दोस्तों, आपके पास क्या हो जाएगा, 100x बराबर क्या 110x, क्या 110x माइनस 1100, कितना 1100। अब आप इधर कर लीजिए, तो 1100 बराबर 110x माइनस 100x, तो आपका क्या बचेगा, 10x बराबर 1100, कितना 1100 बचेगा। तो आपका कितना हो जाएगा, तो x बराबर कितने आ जाएंगे 110। तो पहले व्यक्ति कितने थे, तो पहले व्यक्ति कितने थे हमारे पास 110, कितने व्यक्ति थे 110, तो आपका क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए, क्या आपसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आप करते रहिए सवाल, और आपको अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मेरे साथ समझ में तो आ ही रहा हो, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बड़े अच्छे से करवा रहा हूं मैं, बिल्कुल सरल तरीके से करवा रहा हूं। तो आप शेयर करते रहिए, क्या आप शेयर करते रहिए और कमेंट करके बताते रहिए कि कितना आंसर आ रहा है आपका, क्या आप कमेंट करोगे तो आपका आप सॉल्व करोगे। और आपको क्या करना है, सबसे पहले कि अगर आप मैथ क्लास शुरू होती है तो आपको क्या करना पड़ता है। तो क्वेश्चन क्या था आपके पास, तो क्वेश्चन था आपके पास कि क्या क्वेश्चन था, कि 12 लोग किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी कि 12 लोग थे, किसी काम को कितने में कर रहे थे, 12 दिन में। अब एक आदमी कितने दिन में करेगा, 12 गुणा 12 यानी कि 144, कितना 144 काम हो जाएगा, यानी 144 यूनिट काम आ जाएगा। अब उनने क्या कहा कि 6 व्यक्ति हैं जो 6 दिन काम करके छोड़ देते हैं, यानी कि आपके पास पहले कितने थे, टोटल 12 व्यक्ति थे, कितने 12 व्यक्ति थे, कितने व्यक्ति थे 12 व्यक्ति थे, शुरू में कितने थे 12 व्यक्ति थे। अब उन्हें क्या 6 दिन काम किया, 6 12 व्यक्ति ने कितने काम किया, 6 दिन काम किया, कितना हो जाएगा 72, यानी कि अब आपके पास कितना बचा 72। अब इनका अगर हम अंतर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 72 बचेगा। तो अब आपके पास कितना 12 व्यक्तियों ने 6 दिन काम, 6 व्यक्ति 6 दिन काम करके छोड़ देते, यानी कि 6 यानी पूरे 6 व्यक्ति हैं, यानी कि 12 व्यक्ति में 6 व्यक्तियों ने पूरे 6 दिन तो काम किया, लेकिन 6 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो आपके पास कितना बचा, यानी कि 12 दिन 6 दिन तक तो काम किया, लेकिन 6 दिन बाद 6 व्यक्ति छोड़ के चले गए, तो आपके पास कितने बचे हुए थे, 6 व्यक्ति बचे। तो अब वो क्या बोले, कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो आपको दिख रहा हो 12, कितने व्यक्ति 12 दिन, अब कितना एक्स्ट्रा कितना बचा 12, तो कितना बचा 12, तो आप कितने दिन में एक्स्ट्रा कितने दिन लगे आएंगे, आपके पास कितने दिन लगे आएंगे। अब आपको पता है पहले कितने दिन लग रहे थे 12, आप पहले अब यहाँ पे कितने लगे 12, यहाँ पे लग गए 6, यहाँ पे लग गए 6, यहाँ 12 यहाँ पे लग गए, तो टोटल कितना लग गया 18, टोटल दिन कितने लग गए 18। तो अब आपको पता है कि पहले कितने लग रहे थे 12, तो
तो अब कितने एक्स्ट्रा लगेंगे, 6 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, यानी पूरा काम आपको कितने दिन में हुआ, पूरा काम हुआ आपको 18 दिन में। अब हमने पूछा क्या था कि तो कितने अतिरिक्त दिन लगेंगे, यानी आपको पहले कितने लगे थे 12, तो आप कितने लगेंगे 6 दिन एक्स्ट्रा, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। क्या सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आप करते रहिए। क्या अच्छा क्वेश्चन है, और ज्यादातर क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। क्या ज्यादातर क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। क्या प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चन है, ज्यादातर क्वेश्चन क्या प्रीवियस ईयर्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से करते रहिएगा, यहां पर ही आपको दिक्कत आती है तो आप हमें मैसेज आप कमेंट कर सकते हो। क्या आप कमेंट कर सकते हो, हम आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका 100% सॉल्यूशन करेंगे। क्या 100% सॉल्यूशन देंगे। करिए, आराम से आंसर दीजिएगा उसका। क्या आराम से आंसर दें। तो आपके पास क्या है कि x 1/4 काम 6 दिन में कर देता है। क्या x 1/4 काम 6 दिन में कर देता है और y शेष काम को 12 दिन में पूरा कर देता है। क्या जो x है, जो x व्यक्ति है, तो 1/4 कितने में कर रहा है, 6 दिन में। कितने दिन में, 6 दिन में। तो पूरा काम कितने में करेगा, 6 × 4 यानी कि 24 दिन में करेगा। कितना 24 दिन में कर लेता है, कितना 24 दिन में कर लेता है, 24 दिन में कर लेता है। अब इसी प्रकार बाय को अब 1/4 काम हो चुका है तो कितना बचेगा, 3/4 काम और रह जाएगा। कितना 3/4। अब आपको पता है कि बाय 3/4 काम कितने में करता है, 15 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। कितने हैं, 12 दिन में करता है। तो आपको पता होगा कि अगर पूरा काम करना पड़ेगा कितने में करेगा, 12 × 4/3 यानी कि कितने में करेगा, 4/3 यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा, 4। तो बाय काम कितने में कर लेगा, 16 दिन में। अब उन्हें क्या कहा, एक्स और बाय मिलकर काम करें। क्या एक्स और बाय मिलकर, तो आपको पता है कि एक्स कितने में कर रहा है, 24 दिन में, और बाय कितने में कर रहा है, 16 दिन में। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 48, यानी कि एक्स की एफिशिएंसी 2 और बाय की एफिशिएंसी 3, कितनी 3। अब आपको पता होना चाहिए कितना हो जाएगा टोटल काम मिलकर करेंगे, कितना कितनी है, 3 × 2 = 5। अब इसे करेंगे तो 45 कितना बचा, 3/5, 9 सही 3/5 कितना, 9 सही 3/5 कितने दिन लगेंगे, 9 सही 3/5 टोटल डेज लग जाएंगे, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप दोबारा देख लीजिए कि क्या कहा था, जो एक्स था, जो एक्स 1/4 यानी कि 1/4 काम कितने 6 दिन में कर रहा था, तो टोटल एक काम कितने में करेगा, जब 1/4 यानी 1/4 करा दो तो कितने में करेगा, 6/4 यानी 24 दिन में। अब आपको पता है कि 1/4 काम हो चुका है तो कितना बचेगा, 3/4 कितना, 3/4 बचेगा। तो अब बाय 3/4 काम है यानी शेष काम था वो कितने दिन में कर रहा था, 12 दिन में। तो अब जे बाय पूरा काम कितने में करेगा, 4/4/3। आप इधर से ये पलटेगा तो इधर उल्ट पलट जाएगा, तो हमने अब सॉल्व किया तो 16 दिन में। अब हमने यहाँ पे सॉल्व करके इतना तो आपको मैं पहले समझा चुका हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप सॉल्व कीजिए। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार ऐसे ही आते हैं और ग्रुप डी में तो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं जो मैं करवाता हूँ कि छूटा हो, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और टॉप 20 सीरीज में तो मैं करवाता हूँ,
तो उसमें तो सारे क्वेश्चन वही करवाता हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। 2018 के क्वेश्चन ही करवाता हूँ मैं आपको, क्या 2018 के क्वेश्चन। तो आपके पास जो क्वेश्चन है, क्या आपके पास क्वेश्चन है, आप उसे पढ़िएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। आप पढ़ें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, अच्छे से पढ़ें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर आना चाहिए आपका। मेरा कहने का मतलब एक ही होता है कि अगर आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि क्वेश्चन को सही से पढ़ना पड़ेगा और उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा। क्या जड़ तक जाना पड़ेगा? तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, आपके पास क्वेश्चन है कि जनार्दन किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में करता है। यानी कि किसी कार्य का जनार्दन है, जनार्दन को हम जी मान लेते हैं, अब वो क्या जनार्दन क्या कर रहा है, 2/3 कार को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। तो पूरे काम को कितने में करेगा जनार्दन, 6 × 3/2 कितने का आ जाएगा, 3 × 2 = 6 यानी कि 9 दिन में कर लेगा। अब आगे क्या कहते हैं, पूरा करता है उसी काम के 3/5 भाग को कितने में करेगा। तो आपको पता है कि पूरा काम कितना है, 9 था, अब इसके कितने भाग को करना है, उसे कितने भाग को करना है, 3/5, कितने, तीन, उसी भाग के 3/5 भाग को सॉरी 6 दिन नहीं था जी, यहाँ पे कितना था, 10 था। जनार्दन कितने में कर रहा था, जनार्दन किसी का 3/5 भाग को 10 दिन में कर रहा था, कितने में, 10 दिन में कर रहा था। 2/3 भाग को कितने में कर रहा था, 10 दिन में। तो आपको पता होगा कि 10 दिन में कर रहा था, तो पूरा काम कितने में करेगा, 3/2, कितना, 3/2 यानी कि 5, यानी कि 15 दिन में कर लेगा, कितने दिन में, 15 दिन में कर लेगा। आप क्या बोले कि अगर उसी बात उसी काम के 3/5 आपको कितने दिन में करेगा, यानी आपके पास 15 काम है और कितना 3/5 भाग करना है, तो 5 × 3 = 15, तो कितने में कर लेगा, 9 दिन में, कितने में, 9 days, कितने में कर लिया, 9 days। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। क्या, आपसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर दीजिए उसे, कर लोगे आराम से। और जहां भाई कहीं जहां पर भी भाई साहब कहीं पे भी आपको दिक्कत होती है, तो आप क्या करें, कमेंट कर दीजिएगा, क्या हमें क्वेश्चन में दिक्कत आई है, तो हम आपकी प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन देंगे, क्या 100% सॉल्यूशन देंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब आपके पास क्वेश्चन क्या है कि यदि 12 बड़े 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियां बनाते हैं 240 दिन में, यानी कि अब आपके पास क्या आएगा, M1 D1 H1 / W1 बराबर क्या होगा, M2 D2 W H2 और W2, यानी कि अब आपके पास क्या, आदमी आएंगे, दिन आएंगे और घंटे आएंगे और आपका काम आएगा, क्लियर दोस्तों। तो अब क्या है आपके पास कि 12 बड़ाई 6 घंटे काम करके, 12 बड़ाई है 6 घंटे काम करके, 6 घंटे काम करके 460 कुर्सियां, यानी कि जो काम है 460 है, और कितने दिन में बना लेते हैं, वो बना लेते हैं 240 दिन में, कितना, 240 दिन में। अब आपके पास क्या आ गया कि यदि 18 बड़ाई 18 8 घंटे काम करें 360 दिन, 9 में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, क्या 18 बड़ाई है 18 दिन काम कर रहे हैं और 8 घंटा प्रतिदिन काम कर रहे हैं और कितना 360 दिन कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला कि एक्स बना लेंगे, कितनी, एक्स कुर्सियां बना लेंगे। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना, 0 से 0 कट जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो अगर इधर करें 6 × 3 = 18, 3 से 3 = 12, 4 से 2 बार, कितनी बार, 4 से 2 बार से सॉल्व करेंगे तो कितनी बार, 12 बार। अब 12 से करेंगे तो 12 × 3 = 36, यानी कि 30। अब आपके पास कितना आ गया, 41 × 30, तो कितना आया आपके पास, 3 × 6 = 18, 7 × 12, 12 × 1 = 13, कितनी कुर्सियां बनाएंगे, तो वो कितनी की, कितनी कुर्सियां बनाएंगे, 1380 कुर्सियां, कितनी, 1380, यानी कि आपके पास बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या,
बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपके पास है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। क्या आपसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्या आपसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। आप जो कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कहीं पर भी आपको अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर दीजिए। क्या कमेंट कर दीजिए, ठीक है उसको। तो आपके पास क्या है, तो क्या है क्वेश्चन आपके पास, आप पढ़ लीजिए और जवाब दीजिए, जल्दी से दीजिएगा। आपका जवाब आना निश्चय है, निश्चित होना चाहिए कि आप, मैं पर मुझे कैसा पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। आपका जवाब तो आना जरूरी है। क्या जरूरी है, अगर आप कंपटीशन में थोड़ी सी जगह सीरियस हो रहे हो, क्या सीरियस हो अपनी नौ जॉब के प्रति, अपने घर वालों के प्रति, तो आपका जवाब आना चाहिए। आपका जवाब आना बिल्कुल निश्चित है। क्या जवाब आना चाहिए, बिल्कुल 100% जवाब आना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास क्या है क्वेश्चन, क्या है आपके पास कि एक कंपनी में 150 दिन में किसी काम को पूरा करने के लिए 200 कारीगरों को नियुक्त किया गया। क्या 200 कारीगरों को नियुक्त किया गया, कितने 200 कारीगरों को नियुक्त किया गया। अब उन्हें क्या गया, यदि 50 दिन में केवल एक चौथाई काम हुआ। क्या आपके पास टोटल कितने कारीगर थे, 200 कारीगर थे, कितने दिन काम किया, 50 दिन में कितना काम हुआ, एक चौथाई, कितना काम हुआ, एक चौथाई, कितना काम हुआ, एक चौथाई। अब आपके पास कितना, आपको पता है कि एक चौथाई काम हुआ, तो अब आपके पास कितने व्यक्ति थे, 200 व्यक्ति थे। आप कितने व्यक्ति, इतने काम, कितना काम बचा, 100 घंटे बचा। क्या 100 दिन का बचा, और काम कितना करना था हमें, 3/4 करना था। कितना 3/4, तो 4 से 4 कट जाएगा। कितना 4 से 4 कट जाएगा, कितना 4 से 4 कट जाएगा, कितना 4 से 4 कट जाएगा, और यहाँ पर 200 नहीं आएगा। यहाँ पर तो हमें आदमी निकालनी है, कितने आदमियों की, क्या क्वेश्चन है, तो काम पूरा करने के लिए कितने आदमी अतिरिक्त होंगे। तो हमने क्या क्या बोला, एम अतिरिक्त होंगे। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हुआ, 2 0 से 2 0। अब आपके पास क्या आ जाएगा, एम बराबर 100 × 3, यानी कि आपको कितने की जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा की, 300, कितने की पड़ेगी, तो आपको कितनी होगी, यानी कि आपके पास टोटल आदमी तो कितने आ गए, 300 आ चुके हैं। कितने टोटल आदमी आपको 300 आ चुके हैं। आपके पास पहले आदमी कितने थे, आपको पता है कि आपके पास 200 आदमी थे, तो यानी कि आपको कितने की जरूरत पड़ेगी, 100 की, यानी कि जो हमारे पास 300 व्यक्ति होंगे तो वो का सही समय पे काम कर लेंगे। क्या काम कर लेंगे, और हमें क्या, अगर 100 आदमी वाला है 200 में, तो वही 300 ही बनेंगे, तो सही समय पे काम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। क्या आपसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। क्या कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, सरल क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। क्या सरल क्वेश्चन है, आपने बचपन में खूब खेल खेला होगा ऐसा इस क्वेश्चन के ऊपर। क्या बचपन में खूब खेल खेला होगा, कि खूब खेल खेला होगा, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपसे बचपन में इसको खेला ही होगा, कि कहते थे ना कि अगर आपको एक आंख से 1 किलोमीटर दिखता है तो आपको 2 आंख से कितने किलोमीटर दिखेगा, यही क्वेश्चन होता था ना, बिल्कुल होता था। अगर होता था तो आप थंब का बटन दबा दीजिए। क्या थंब का बटन दबा दीजिए। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, तो आपके पास क्या थे, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, M1, D1 और W1 बराबर M2, D2 और W2। अब आपको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, 12 बंदर हैं, 12 बंदर 12 के लिए 12 मिनट में खाते हैं, यानी कि जो 12 बंदर हैं 12 मिनट में खाते हैं, कितने के लिए, जो आपको काम हो जाएगा 12 के लिए खाना उनका काम है। आपके पास कितने, क्या पूछे, वो 4 के लिए, चार बंदर 4 के लिए, यानी कि 4 बंदर हैं, और कितना आपके पास, 4 उनके लिए खाने, 4 खाना उनका काम है, वो कितने में खा लेंगे, हमने कह दिया एक्स दिन में खा लेंगे। कितने दिन में खा लेंगे, कितनी देर में खाएंगे, एक्स एक मिनट में खा लेंगे। क्या आपके पास एम डी वन रख सकते हैं, यहाँ पर आप इसे क्या मिनट रख लीजिए, मिनट आपके पास टाइम ही आ जाएगा, टाइम लिख लीजिए आप, क्या टाइम लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, T1 और T2, ठीक है। तो
आपके पास हमने एक्स मान लिया टी टू, आप देख लीजिए 12 से 12 कट जाएंगे और 4 से 4 कट जाएंगे, तो एक्स बराबर कितने आ जाएंगे 12। तो कितने, 4 केले भी 4 बंदर 12 ही मिनट में खा पाएंगे क्या? 12 ही मिनट में खा पाएंगे। क्लियर दोस्तों? तो अब आके देख ले आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? सी ऑप्शन। आप देखिए आगे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। क्या? आपसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। और जैसे ध्यान से समझ लीजिए, हर एक स्टूडेंट को नहीं आता है प्राइम नंबर। अगर आप इसे सीख लोगे तो आप उससे आगे निकल जाओगे। क्या? आप उससे आगे निकल जाओगे। फिर आप बताना कि मैंने क्या सीखा एक दिन में। ठीक है दोस्तों? तो आप उसे बताना कि हमने क्या सीख लिया एक दिन में। तो आपके पास क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। क्या? आपसे सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। क्या? आंसर दीजिए। तो क्या है, यदि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर पूरा करते हैं, यानी कि 90 आदमी हैं, कितने 90 आदमी हैं और क्या कितने 12 घंटे 16 दिन में पूरा कर रहे हैं, 12 घंटे 16 दिन में पूरा कर रहे हैं किसी काम को। काम मान लेते हैं हम, एक काम है। अब उनने क्या कह दिया कि तो 70 आदमियों द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में उस काम का कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है, कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। क्या? कितना हिस्सा पूरा किया जा सकता है। यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है भैया। क्या अच्छा क्वेश्चन है? क्या अच्छा क्वेश्चन है? तो हम क्या करेंगे, कितना कर रहे हैं वो अब आपको दिख रहा होगा, कितना कर रहे हैं, 70 आदमी 8 घंटे 24 दिन, 70 आदमी 8 घंटे और 24 दिन में कर रहे हैं। आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर डब्लू आएगा। क्लियर दोस्तों? अगर अब हम इसे सॉल्व करें तो कितना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, आपके पास 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 से 2 कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो आपके पास कितना बचेगा, डब्लू बराबर 7/9। कितना बचेगा, W = 7/9। कितना, W = 7/9, यानी कि आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपकी स्क्रीन पर है, तो आप इसे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। क्या? आपके पास क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। क्या? कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। क्या? कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। और हम नेक्स्ट यानी कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम टाइम एंड वर्क में वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें हर एक इंसान, हर एक स्टूडेंट, हर एक बच्चा क्या रहता है, कंफ्यूज रहता है। क्या? कंफ्यूज रहता है, यानी कि हम क्या पढ़ेंगे कल, पुरुष व्यक्ति यानी पुरुष स्त्री और बच्चों से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। पुरुष बच्चे और स्त्री, यानी कि वो क्वेश्चन तो सबको कंफ्यूज कर देते हैं, मुझे भी करते थे, लेकिन मैंने लगा के देखा तो मुझे आने लगे हैं। क्या? मैंने लगा के देखा तो मुझे आने लगे हैं। अब मैं कल भी, कल अगर आप देख लोगे तो मैं क्या करूं, आपको उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। आप उसे क्या देखते आंखों ही आंखों में उसको सवाल करेंगे, यानी कि जिस प्रकार मैं अभी करा रहा हूँ बिल्कुल सरल सरल करा तरीका बताऊंगा, ऐसा तरीका कि आप भी क्या कहोगे। तो अब आपके पास क्या है क्वेश्चन कि 36 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके किसी कार्य को 3 इकाई की 12 दिन में कर लेते हैं। कितना, कितने व्यक्ति हैं, 36 व्यक्ति, 36 व्यक्ति 8 घंटे काम करके, 8 घंटे काम करके 12 दिन में कितनी, 3 इकाई काम कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? अब उनने क्या कहा कि उसी कार्य को 5 इकाई, क्या उसी का भी 5 इकाई, यानी 5 इकाई काम है आपका। कितना, 5 इकाई आपका काम है। अब आपके पास क्या कह दिया कि उसी कार की 5 इकाई 6 घंटे काम करके, 6 घंटे में, 6 घंटे काम करके 16 दिन में कितने व्यक्ति करेंगे। व्यक्ति यानी कि हमने मान लिया कितने एम व्यक्ति है, कितने 6 घंटे काम कर रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, कितने, कितने दिन में, 16 दिन में, 16 दिन में। अब जी आप सॉल्व कर लीजिए। क्या, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 चौके 12। क्लियर दोस्तों? अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 चौके 16, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 छिंग 36, यानी कि 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। तो कितने व्यक्ति आपको लगेंगे, 60 व्यक्ति। कितने व्यक्ति लगेंगे,
आपको 60 व्यक्ति, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्या सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। क्या उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। आज की क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन है, क्योंकि आज का टॉपिक खत्म होता है, यानी टाइप खत्म होता है, और बाकी के क्वेश्चन जितने भी हुए कल कराऊंगा, और परसों भी टाइम एंड वर्क ही चलेगा, जिससे कि आपका टाइम एंड वर्क का भूत हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएगा। क्या टाइम एंड वर्क का भूत हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएगा, और आप आराम से करने लगोगे सवाल। कल की क्लास आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़नी है, यानी कि इससे नेक्स्ट वाली क्लास है वो नहीं छोड़नी है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखा मिलेगा, बस इतना समझ लीजिए। हाँ, मेरा विश्वास करके समझ लीजिए कि वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप शेयर कर दीजिए, और अगर आप बताइएगा, आपको बताना जरूर है कि आपको क्लास कैसी लगी, और किसी क्वेश्चन में आपको क्या दिक्कत आती है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, जिससे कि मुझे भी पता चलता रहे, और शेयर कर दीजिए। तो आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।